अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर के अवसर पर कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा स्थानीय जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में संचालित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के छात्रावास में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर नेहा मीना, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सोनल भाबर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री जितेंद्र सिंह चौहान एवं पेरेंट्स सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन झाबुआ के अध्यक्ष यशवंत भंडारी अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उप संचालक सामाजिक न्याय पंकज सावले ने अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस के उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस की महत्ता व उसके मनाने के कारण के बारे में प्रकाश डालते हुए बताया कि भारतीय सांकेतिक भाषा दक्षिण एशिया की प्रमुख सांकेतिक भाषा है। यह कई लाख मुख बधिर लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा से बधिर व्यक्ति को दूसरे बधिर लोगों से जोड़ने में मदद मिलती है। सुनने वाले लोगों के लिए भी सांकेतिक भाषा के उपयोग से बधिर समुदाय के साथ संवाद कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि बधिर शिक्षक शिवाजी पांडा को भारतीय सांकेतिक भाषा का जनक माना जाता है। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा के अवसर पर संस्था के सभी बच्चों को पुरस्कार अतिथियों के कर कमलों से वितरित किए गए। झाबुआ से अल्बर्ट मंडोरिया की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।